हाय एवरीवन। तो भाई लास्ट की क्लास में, अच्छा जो बच्चे पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, ये मैं हमेशा बताता हूँ, तो उन बच्चों के लिए एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये हमारी है लाइट की बहुत बाद की क्लास। दो तीन क्लास हो चुकी है ऑलरेडी। हमने पहली क्लास के अंदर लाइट रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स पढ़ लिए। अगली क्लास में हमने मिरर फॉर्मूले की डेरिवेशन कर ली। उससे अगली क्लास के अंदर हमने रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया और रिफ्रेक्शन पढ़ लिया, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के रे डायग्राम। जिस बच्चे ने, याद करो, याद है वो दिन जब हमने किए थे कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स? छह डायग्राम किए थे कॉनकेव मिरर के। जिन्होंने नहीं पता जल्दी से जाओ पीछे प्लेलिस्ट, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मैंने फिजिक्स की, जाके प्लेलिस्ट में कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम देख के आओ जल्दी फुर्ती से। जिनको याद नहीं है, जिनको याद है वो बैठे रहो, देखते रहो, क्योंकि जिनको ये वाले रे डायग्राम्स अच्छे से याद है ना, ये हमारा कॉनवेक्स लेंस, लगभग इसके रे डायग्राम कुछ कुछ वैसे होने वाले हैं। लिंक करेंगे, सेम नहीं होंगे पर लिंक करेंगे, बताएंगे तुम्हें, ठीक है? चलो याद करो तुम्हें, मिरर में मैंने तीन रूल्स पढ़ाए थे, ठीक है? यहां पे भी वही पढ़ेंगे। तो कॉनवेक्स मिरर ये होता है तुम्हारा, वो कॉनवेक्स लेंस सॉरी, और कॉनकेव लेंस ये होता है। कहीं कहीं तुम्हें अलग नाम मिल जाएंगे, इसका एक और नाम भी है बाई कॉनवेक्स, इसका एक और नाम भी है बाई कॉनकेव, ठीक है? ठीक, कॉनवेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, बाई कॉनवेक्स, बाई कॉनकेव, ठीक। इसका एक और नाम है कन्वर्जिंग लेंस, इसका एक और नाम है डाइवर्जिंग लेंस। उल्टा है बिल्कुल, याद करो, यहां कॉनवेक्स लेंस है कन्वर्जिंग, वहां कॉनकेव मिरर था कन्वर्जिंग, बिल्कुल उल्टा है, ठीक है? चलो करते हैं भाई। सबसे पहले कुछ रूल बता देता हूं तुम्हें, तीन रूल। पहला रूल क्या है, अगर लाइट देखो पैरेलल गई तो कहां से जाएगी, फोकस से। वहां भी था लाइट प्रिंसिपल एक्सिस आई तो फोकस से वापस आएगी। यही ट्रांसपेरेंट होते हैं ना, यहां से रिफ्रेक्शन लाइट हो रहा है, लाइट का रिफ्रेक्शन हो रहा है तो क्रॉस कर जाती है बेंड होकर फोकस पे। या फिर लाइट अगर कभी भी यहां से जाएगी इस पॉइंट से, सेंटर से, तो वो सीधी चली जाती है। दूसरा रूल ये। तीसरा रूल, अगर लाइट कभी फोकस से गई तो लाइट पैरेलल चली जाती है। तीन रूल है। पहला रूल दोबारा सुनो, पैरेलल तो फोकस, फोकस तो पैरेलल, तीसरा सेंटर से सीधी, ठीक। इन्हीं तीन रूल के बेसिस पे हम तुम्हें डेरिवेशन कराने वाले हैं, बहुत आसान डेरिवेशन है, समझ में आ जाएंगे। चलो करते हैं पहली डायग्राम, मतलब इस पेज पे दो कर दूंगा ना। ये है तुम्हारा कॉन्वेक्स, ये है तुम्हारी प्रिंसिपल बॉडी, इसे बोलते हैं ऑप्टिक सेंटर, OPTIC, ऑप्टिक सेंटर, ठीक। इसके अंदर देखो एक कर्व शेप ही है, तो इधर एक फोकस और एक सेंटर होगा, एक इसकी वजह से एक इधर और एक इधर होगा। तो इनको नाम अलग टाइप के दे दिए, जैसे पहले एफ और सी दिए थे, यहाँ F1 2F1 नाम दे दिया, ठीक है, F2 2F2 नाम दे दिया, ठीक। बात आई होप समझ में आई हो सबको, ये थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है देखने में, इसे सही से कर देते हैं भैया हम, ठीक है। चलो भाई देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखते थे कॉनकेव मिरर के, पहला केस क्या पढ़ा था याद करो, कॉनकेव मिरर का पहला केस बियॉन्ड कर्वेचर, यहां बियॉन्ड 2F1, सेम ये बिल्कुल याद करो। वहां इमेज कहां बनती थी, बिटवीन सी एंड एफ, यहां बनेगी इन दोनों के बीच में। चलो पहला रूल, कोई सा भी रूल यूज कर लो, ठीक है, चलो कर लेते हैं भैया। लाइट गई पैरेलल, कहां से जानी चाहिए, फोकस, कहां जानी चाहिए, फोकस। दूसरा रूल, लाइट गई सेंटर से, कहां चली जानी चाहिए, सीधी सेंटर से। कहां बनी देखो इमेज, खुद देखो कहां बनी, खुद ही देखेंगे सब बच्चे कहां बनी भैया, बिटवीन F2 एंड 2F2, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। जिसको शक हो रहा हो ना, कॉनकेव मिरर का सबसे पहला रे डायग्राम जो मैंने करा था उसे चेक कर लो, सेम नहीं हो तो बात है। रियल इन्वर्टेड बिटवीन, यहां F2 एंड 2F2 है, वहां C एंड F3, इतना ही डिफरेंस था। वहां भी ये लाइन लिखी थी मैंने, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, देख लो पहला केस। चलो सेकेंड रे डायग्राम पे आते हैं, सेकेंड वाला करते हैं, इस भी कर देता हूं, कुछ नहीं कर रहे। पहला ऑब्जेक्ट पीछे रखा था, इस बार 2F1 के ऊपर लिखो, याद करो कौन के मिरर में, पहला ऑब्जेक्ट पीछे रखा था फिर सी पर रख दिया तो सी पी बन गई थी, याद है, F1 2F1 F2 2F2, ठीक है। चलो भाई ऑब्जेक्ट रख दो यहां, इस बार हो सकता है मेरी ड्राइंग में थोड़ी गड़बड़ हो जाए। लाइट भेजो पैरेलल, लाइट कैसे भेज दो, पैरेलल, कहां से जानी चाहिए, फोकस से। अगली लाइट भेज दो फोकस से, कहां जानी चाहिए, पैरेलल, बन गई, देख लो लगभग वही बनी है मेरी कंसेप्ट, वो है ना, मैं डायग्राम यहां पे बना रहा हूं तो हल्का सा थोड़ा बहुत मान लो ना,
क्या सेम साइज की बनेगी? पहला पॉइंट सेम साइज. दूसरा एट 2f2 इक्वल डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, जितना आगे डिस्टेंस उतने पीछे, ठीक है. तीसरा रियल एंड इन्वर्टेड सेम है, देख लो. आई होप सबको समझ में आई. स्क्रीनशॉट ले लो, ये कहां पर रखा? एट 2f1. इस बार कहां रखी ऑब्जेक्ट? कहां रखा ऑब्जेक्ट? एट 2f1. देखो जल्दी स्क्रीनशॉट. 1 2 3 एंड गो. अगला छोटा बन गया यार. इट इज ऑल द रिंग इंक. कहां रख दो ऑब्जेक्ट? और आगे लाऊं इस बार? 2f1 f2 2f2. इस बार ऑब्जेक्ट बीच में ले आओ. ऑब्जेक्ट आगे बढ़ाते जाओ धीरे धीरे ना, यहां रख दो. चलो लाइट रेज भेज दो पैडल. कहां भेज दो? पैडल कहां जाएगी? फोकस से. हेलो फोकस से. लाइट रे कहां से भेज दो? सेंटर से भेजो, तुम्हारी मर्जी है. मैं 2f1 से भेज रहा हूं. पैडल यहां कहीं बन रही? पीछे बनेगी, ठीक है. मैं लेंस थोड़ा छोटा ले लेता. पीछे देखो, वैसे ही पीछे ही बन रही है ना. कैसी बनी देखो, ध्यान से देखो. क्या ऑब्जेक्ट से बड़ी? पहला तो रियल एंड इन्वर्टेड, ये तो फिक्स पॉइंट है. रियल एंड इन्वर्टेड, क्या यही कॉनकेव मिरर में हो रहा था? लार्जर देन ऑब्जेक्ट इस बार, लार्जर देन ऑब्जेक्ट. तीसरा पॉइंट इस बार बियॉन्ड 2f2, पीछे बनी है 2f2 के, बियॉन्ड 2f2. क्या ये वाला केस और ये वाला केस कहाँ गया? ये वाला, ये देखो, पीछे रखी थी बीच में बनी, बीच में रखी पीछे बनी, बड़ी रखी थी छोटी बनी, छोटी रखी थी बड़ी बन गई. सेम नहीं है बिल्कुल. यही तो मैंने कॉनकेव में पढ़ाया था. जो बच्चे रेगुलर इन कोर्सेज को देखते हैं भाई, उनकी लाइफ झींगा लाला. हु चलो अगला. f1 2f1 f2 2f2. इस बार ऑब्जेक्ट कहां रख दो? फोकस पे. लाइट रे गई पैरेलल, फोकस से चली गई. लाइट रे भेज दो सेंटर से. तुम देख रहे हो लगभग पैरेलल जैसे दिख रही है तुम्हें, लगभग एग्जैक्टली पैरेलल नहीं थी, लगभग पैरेलल होती है, हल्की सी बेंड होती है, लेकिन ये बहुत नीचे जाके कहीं मिलेंगी. देखो तो क्या इमेज बहुत बड़ी बन जाएगी, वेरी लार्ज. तो कहाँ पे बनी हो इमेज? कहाँ बनी? एट इन्फिनिटी. कहाँ बनी? एट इन्फिनिटी. कैसी बनी? वेरी वेरी लार्ज, लार्ज, वेरी वेरी लार्ज देन ऑब्जेक्ट. अगला रियल एंड इन्वर्टेड, ये तो पॉइंट ऐड कर दो. अगला पॉइंट, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, बहुत तगड़ा पॉइंट है. अगला पॉइंट पहले, लेकिन उससे ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा तो इन्फिनिटी पे बनी. अगर ऑब्जेक्ट ही इन्फिनिटी पे, जैसे सन को देख रहे हो, तो अगर ऑब्जेक्ट ही मैं इन्फिनिटी पे रख दूं, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट ही इन्फिनिटी पर रख दूं, तो भैया बच्चो मन के कच्चो, देखो क्या होगा. ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा, पैरेलल आई कहां जाएगी? फोकस से. पैरेलल आई कहां जाएगी? फोकस से. खत्म. कैसी बनी? पॉइंट साइज बहुत ज्यादा छोटी, उल्टा हो गया ना. फोकस पर रखी थी तो बहुत ज्यादा बड़ी बन गई, इन्फिनिटी पर रखी तो बहुत ज्यादा छोटी बन गई, ठीक है. रियल पॉइंट साइज इसलिए इन्वर्टेड नहीं लिख सकते, लेकिन एक्चुअल में इन्वर्टेड बनती है हल्की सी, ठीक है, क्योंकि पॉइंट साइज कोई चीज बहुत दूर दिख रही है इन्फिनिटी पे, सन जैसे, तो छोटा सा तो पता ही नहीं चलता, वो उल्टा दिखेगा, लेकिन बनती इन्वर्टेड है, याद रखना है ना. कहाँ बनी? एट फोकस. आई होप सबको क्लियर हो गया. अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, 6 रे डायग्राम कराने थे, कितने हो गए? 1 2 3 4 और यहां पे 5. छठा रे डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट. f1 2f1 बीच में लाइन, ठीक है. f2 2f2 ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, ये रहा. बहुत ध्यान से करना इसे. कहां रखे इस बार ऑब्जेक्ट? बीच में, f1 और उसके ऑप्टिक सेंटर के बीच में ना. लाइट रे पैरेलल भेजी कहां से जानी चाहिए? फोकस से. लाइट रे सेंटर से भेजो. कि ये दोनों कभी मिल सकती हैं आपस में? देखो दूर नहीं जाती जा रही, लेकिन जब तुम इस वाली इमेज को देखोगे तो तुम्हें दिखेगी इमेज, लेकिन दिखेगी सीधी खड़ी हुई. कॉनकेव मिरर में याद करो तुम एक चम्मच में, बाद में तुम्हारी नाक सीधी दिखी थी. कैसी बनी? लेंस के बिहाइंड बन गई. स्क्रीन अगर तुमने यहां लगा दी स्क्रीन, तो तुम्हें यहां दिख जाएगी. कैसी? लार्जर देन ऑब्जेक्ट. ये एक्सेप्शन है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है. लार्जर देन ऑब्जेक्ट क्या? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है. अगला पॉइंट, बिहाइंड लेंस, ये इन फ्रंट ऑफ लेंस.
है ना, या फिर इन सेम पोजिशन एज ऑब्जेक्ट, कुछ भी लिख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट था. 1 2 3 एंड गो. चलो अब आ जाओ कॉनकेव, कॉनकेव कॉन्वेक्स करा दी, कॉन्वेक्स लेंस खत्म हो गया, कॉनकेव लेंस पे आ जाओ. ये रहा तुम्हारा कॉनकेव लेंस, कौन सा लेंस है ये, कॉनकेव लेंस. ऑब्जर्व करो, ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो तुम यहां पे, इस साइड में कहीं भी रख दो, याद है कॉन्वेक्स मिरर में भी कहीं भी रख दिया था. यहां ऑब्जेक्ट जैसी तुमने रखा, एक लाइट है देखो पैरेलल है, ये जानी चाहिए फोकस है ना, या तो इधर से चले जाए वहां से चले जाए, लेकिन क्या ये डाइवर्ज कर देगा लाइट रेज को, लाइट रेज इधर चली जाएंगी क्या, लाइट रेज को डाइवर्ज कर देगा इधर चलेगी. देखो इधर मैंने थोड़ी सी गलत भिजवा दी, चलो ये सही भिजवा देते हैं, ठीक है, चलो पूरे वापस करवा देते हैं. ध्यान से देखना, लाइट रे ये ऑब्जेक्ट था, लाइट रे देख रहे हो फोकस से जानी चाहिए थी, पर लाइट रे गई कहां से, देख रहे हो ये गई, पीछे बढ़ा के देखा तो फोकस यहां पे निकला, फोकस पे आनी चाहिए, सही बात है. लाइट रे सेंटर से सीधी चली जाएंगी यहां, तो क्या ये दो वाली लाइट रे, ये वाली और ये वाली कभी मिल सकती है आपस में, दूर जाती जा रही है, पर हमें हमने इमेज देखी तो पता चला हमारी इमेज कहां बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वेरी स्मॉल, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ लेंस. समझे, अगला वाला स्केल डायग्राम कौन सा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी कर लेते हैं. जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखो, इन्फिनिटी पर रखा लाइट यहां से ली जाएगी, इन्फिनिटी पर रखा लाइट यहां से ली जाएगी, दोनों को पीछे बढ़ा के देखा फोकस पे मिल जाएगी. पॉइंट साइज वर्चुअल इन फ्रंट ऑफ लेंस, ये लिखने की जरूरत है, इन फ्रंट ऑफ लेंस पे लिख देता हूं. ये थे तुम्हारे रे डायग्राम्स, इसके लिए भी तुम्हारा लेंस फॉर्मूले का एक डेरिवेशन है, ठीक है, जो कि हम कराएंगे बट अगली कक्षा में. बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में. इस क्लास में आई होप सबको समझ में आ गए होंगे, अगली क्लास में हम लेंस फॉर्मूले की डेरिवेशन करेंगे जो कि होती है 1/f = 1/v - 1/u, ऐसी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m = v/u. अगर मैग्निफिकेशन कभी भी तुम्हारी नेगेटिव आ जाए, दैट मीन्स रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. अगर मैग्निफिकेशन कभी भी तुम्हारी पॉजिटिव आ जाए, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. बाय बाय, सी यू, मिलते हैं बच्चों, चलो टाटा बाय.